आज हम मेथी भाजी बनाएंगे। तो ये मैंने हाफ के जी मेथी लिया है और इसको अच्छी तरीके से 3 पानी में धो के और ऐसे काट लिया है। और अब इसको फ्राई करने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने थोड़े से लहसुन लिए हैं, 8-9 मिर्ची ली है, और ये 4 आलू लिए हैं, 2 टमाटर है, और 1 सवा चम्मच करीब नमक है, और एकदम थोड़ा सा हल्दी है। और इसको फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है। ये करीब 1 कड़छुल तेल है। इसमें थोड़ा तेल ज्यादा लगता है, यदि तेल कम रखेंगे तो मेथी भाजी का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। तो ये तेल गर्म हो गया है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले लहसुन डालेंगे, अब हरी मिर्च डाल देंगे, और साथ में आलू डालेंगे। हल्दी नमक डाल के अब इसको हम लाल होने तक भूनेंगे। ये आलू लाल हो गए हैं, अब हम इसमें भाजी डाल देते हैं। अब इसके बाद टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से चला देते हैं। देखिए अच्छे से मिला दिया है इसको। अब हम इसको थाली से ढक ढक के करीब 10 मिनट ऐसे ही पकाएंगे, और बीच बीच में ढक्कन को हटा के चलाते जाइए, और गैस को तेज ही रखना है, धीमे नहीं करना है। देखिए 7 से 8 मिनट में इस तरीके से ये भाजी पक के एकदम कम हो गई है, और आलू भी थोड़े थोड़े पक गए हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए धीमी गैस करके पकाएंगे ताकि और अच्छे से ये पक जाए। ये 5 मिनट हमने धीरे आंच में इसको पका लिया है। ये देखिए नीचे थोड़ा लाल होके इस तरीके से चिपकने लगता है। अब आप समझ लीजिए कि ये भाजी पककर तैयार हो गई है, और इसको अब हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप भी भाजी को बनाकर देखें, और अपने मनपसंद चीज चावल रोटी पराठा जिसके भी साथ खाना खा के देखें। बहुत ही टेस्टी लगती है ये भाजी, और यदि आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।